नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नोइंग शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप KineMaster ऐप का यूज करके अपने मोबाइल में ही एक स्टनिंग लोअर थर्ड डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले फाइनल प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जी हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए एंड उसके बाद मीडिया में जाके एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लीजिए। आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका कलर ग्रीन रखूंगा। ओके, उसके ऊपर हम लोग लेयर्स का यूज करेंगे। तो सिंपली आप लेयर्स में क्लिक करें, उसके बाद हैंड राइटिंग में क्लिक करके एक रेक्टेंगल शेप हम लोग इस तरह से ऐड कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर शेप का यूज़ करेंगे। तो आप सिंपली इसको डुप्लीकेट कर सकते हो या फिर लेयर्स में जाके और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से मैं और एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि दोनों रेक्टेंगल जो होगा उनका साइज सिमिलर होना चाहिए। ओके, दोनों रेक्टेंगल को इस तरह से हम लोग मर्ज कर देंगे ताकि दूर से देखने में एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे। ओके, इसके ऊपर हम लोग और लेयर्स का यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर शेप का ही। तो सिंपली लेयर्स में जाके एक दूसरा कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग रेक्टेंगुलर शेप को एक लाइन की तरह बना लेंगे एंड इसको रिसाइज करके बिल्कुल वाइट जो रेक्टेंगल है उसके हाइट के इक्वल बना लेंगे। ओके, एंड इसको ड्रैग करके इस तरह से एक कोने में रख देंगे। इसमें ध्यान से हम लोग को प्लेस करना होगा ताकि दोनों लेयर जो है वो बिल्कुल मर्ज दिखें। ओके, सिंगल लेयर जैसा दिखाई दे। एंड इसका एक डुप्लीकेट लेयर हम लोग क्रिएट करके दूसरे एंड में भी हम लोग इस तरह से प्लेस कर लेंगे। ओके, इस तरह से एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करेंगे और दूसरे एंड पे हम लोग प्लेस कर देंगे। अभी हम लोग को इन एनिमेशन यूज करना होगा। तो सबसे पहले जो लेफ्ट वाइट रेक्टेंगल है उसको सिलेक्ट कर लिया और उसमें हम लोग इन एनिमेशन यूज करेंगे वाइप राइट। ओके, सबसे पहले हम लोग सभी जो शेप्स हैं उसमें खाली इन एनिमेशन ही यूज़ करेंगे। ओके, तो वाइप राइट का जो एनिमेशन है वो हम लोगों ने ऐड कर लिया यहाँ पे। उसी का अपोजिट जो एनिमेशन है हम लोग दूसरे रेक्टेंगल में यूज़ करेंगे। तो उसका इन एनिमेशन में जाके हम लोग वाइप लेफ्ट का जो एनिमेशन होगा वो ऐड कर लेंगे इस तरह से। ओके, तो अभी अगर हम लोग प्ले करके देखते हैं, देखिए तो कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो गया है। तो अभी हम लोगों को एनिमेट करना होगा इन येलो लाइंस को। ओके, तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना होगा दोनों रेक्टेंगल का जो मीटिंग पॉइंट है, बीच में दोनों रेक्टेंगल जहाँ पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि उस पॉइंट के बाद जो येलो लाइंस होंगे वो एनिमेशन में नहीं दिखाई देंगे। ओके, तो उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जो येलो लाइंस का लेयर है उसको हम लोग ट्रिम कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग एनिमेशन ऐड करेंगे। तो येलो लाइंस में एनिमेशन ऐड करने के लिए सिंपली उसको सिलेक्ट कर लें, उसके बाद इस की में क्लिक कर लें एंड आप देख सकते हैं कि येलो लाइन का जो लेयर है उसमें की फ्रेम क्रिएट हो चुका है। और सिंपली उसको ड्रैग करके जहां तक आप लेकर जाना चाहते हैं वहां तक लेके चले जाएं। आप देख सकते हैं कि दूसरा की फ्रेम भी क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपका जो एनिमेशन है वो क्रिएट हो गया है। आप इस तरह से उसको ड्रैग कर लें। ओके, तो अभी अगर प्ले करके देखेंगे, देखिए, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है कि जो येलो लाइन का एनिमेशन है वो बिल्कुल वाइट रेक्टेंगल के साथ मैच कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है। तो इसलिए अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम जो येलो लाइन का जो लेयर है उसको थोड़ा सा पीछे लेके चले जाएंगे ताकि जो एनिमेशन हो वो वाइट लेयर का जो एनिमेशन है उसको फॉलो करे। तो अभी अगर हम लोग प्ले करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन बन जाएगा, मतलब वाइट रेक्टेंगल का जो एनिमेशन होगा उसको येलो लाइन फॉलो करेगा। ओके, तो अभी तक हमने खाली एक लाइन को एनिमेट किया है, तो दूसरे येलो लाइन को भी हम लोग सिमिलर लाइन में एनिमेट कर लेंगे। ओके, इस की में क्लिक करके इस तरह से उसको ड्रैग कर लेंगे। ओके, तो अभी अगर आप प्ले करोगे तो आपको ऐसा कुछ एनिमेशन दिखाई देगा, ये देखिए। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे टैग्स ऐड करना होगा। तो टैग्स ऐड करने के लिए हम लोग येलो लाइन को एक पॉइंट तक लेके जाएंगे और उस पॉइंट में हम लोग टैग्स ऐड करेंगे। तो उस पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले। ये देखिए, धीरे धीरे लेके जाके जस्ट इस पॉइंट में हम लोग टैग्स ऐड करेंगे। ओके, तो लेयर्स में जाके आप टैग्स ऐड कर लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले प्लीज़ मैं यहाँ पे दो टैग्स लेयर का यूज़ करूँगा। अलग अलग करने का बेनिफिट यही है कि मैं दोनों में अलग अलग जो एनिमेशन है वो यूज़ कर पाऊँगा। अगर सिंगल लेयर होगा तो आप सेम एनिमेशन आपको यूज़ करना होगा। तो इसमें आप फॉन्ट कलर सब कुछ चेंज कर सकते हो। मैं ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ,
देन कलर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसका शैडो जो है वो मैं ऑफ कर दूंगा, मतलब कि इसको फ्लैट बना लूँगा। आप शैडो यूज़ भी कर सकते हो इसमें, ओके। उसके बाद दूसरा एक लेयर मैं क्रिएट करूँगा, टेक्स्ट लेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ओके। इसको भी मैं रिसाइज कर लूँगा, फॉन्ट चेंज कर लूँगा इसका, ओके। इसको रिसाइज करके सही से आप प्लेस कर लें। इसका फॉन्ट सिमिलर फॉन्ट मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ओके। और इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए, तो सिलेक्ट कर लिया। और इसका जो शैडो है वो मैं ऑफ कर देता हूँ, ओके। तो देखिए ये टैक्स हो गया, इसको सही से प्लेस कर लें, ओके। तो अभी इन दोनों टैक्स लेयर में मुझे एनिमेशन ऐड करना होगा, तो अभी तक ऐसा कुछ एनिमेशन हुआ है। तो सबसे पहले मैं सब्सक्राइब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें इन एनिमेशन डालता हूँ, वाइप लेफ्ट, ओके। वाइप लेफ्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो गया, ओके। इसी तरह से प्लीज में भी मैं अपोजिट एनिमेशन यूज़ कर लेता हूँ, इन एनिमेशन में जाके वाइप राइट, वाइप राइट, ओके। तो एक बार प्ले करके देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अभी हम लोगों को थर्ड लेयर इसमें ऐड करना होगा, ओके। तो लेयर में क्लिक करके हम लोग और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इस पॉइंट में हम लोग और एक लेयर ऐड करेंगे, मतलब जहाँ पे दोनों टेक्स्ट जाके मिल रहे हैं, ओके। मैं यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पे ऐड कर लूँगा और इसको प्लेस करूँगा जस्ट इसके नीचे यहाँ पे, ओके। एंड इसमें मुझे उसके बाद एनिमेशन ऐड करना होगा, एनिमेशन करेंगे स्लाइड डाउन इन एनिमेशन, देखिए इसका एनिमेशन हो गया है। और जैसे ही ये एनिमेशन ख़त्म हो वहाँ पे मैं ऐड करूँगा टेक्स्ट लेयर, ओके। टेक्स्ट मैं अपना चैनल का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, नो इन शॉर्ट, आप कोई भी यूज़ लेटर कोई भी नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ओके। इसका मैं साइज फॉन्ट ये सब चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए इसका फॉन्ट मैं सेम फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। कलर का बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है, मैं वाइट ही यहाँ पे प्रिफर करूँगा, एंड इसका शैडो मैं ऑफ कर लेता हूँ, देखिए ऑफ कर लिया, उसको रिसाइज करके सही से प्लेस कर लिया, ओके। फिर इसमें मैं एनिमेशन ऐड करूँगा, अभी इसका जो इन एनिमेशन होगा वो मैं यूज़ करूँगा स्लाइड डाउन, ओके। एंड आउट एनिमेशन यूज़ करूँगा स्लाइड अप, ओके। इसको करने के बाद मैं फिर प्लीज एंड सब्सक्राइब इनको भी मैं आउट एनिमेशन ऐड कर लूँगा ऑपोजिट, पहले अगर मैंने वाइप राइट किया था तो अभी वाइप लेफ्ट कर लूँगा। तो अभी तक मैंने इतना क्रिएट कर लिया है, ये देखिए हो गया है। अभी लास्ट मुझे जो वाइट बॉक्सेस हैं उनको एनिमेट करना है, उसमें आउट एनिमेशन ऐड करना है। तो सिंपली आउट एनिमेशन में जाके जो पहले इन एनिमेशन मैंने यूज़ किया था उसका ऑपोजिट यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो अगर वाइप लेफ्ट था तो उसमें मैं यूज़ करूँगा वाइप राइट। तो अभी मेरा एनिमेशन ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, आप देखिए से मैं प्ले कर सकता हूँ। तो सिंपली आप इसको रेंडर करके रख लीजिए एंड उसके बाद आपने जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आप एक सैम्पल यहाँ पे यूज़ करके दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा ये मेरा प्रोजेक्ट है, ओके। तो इसमें सपोज मैं ये एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ, ये लोडर मैं ऐड करना चाहता हूँ, ओके। तो सिंपली मीडिया में जाएँ, आप जाके आप जो क्लिप है वो सिलेक्ट कर लें, ग्रीन स्क्रीन वाला, ओके। एंड उसके बाद इसको रिसाइज कर लें, आप रिसाइज करके जिस कोने में आप इसको यूज़ करना चाहते हो उस कोने में लेके चले जाएं। बस ये प्लेस हो चुका है, तो यहाँ पे हम जाएंगे कोमा की इफेक्ट में, इसको ऑन कर लेंगे। जैसे आप उसको ऑन करोगे देखिए ग्रीन वाला जो बैकग्राउंड है वो चला गया है, तो आपको यहाँ पे क्लीन लोअर थर्ड आपको मिल जाएगा, जो कि आप अपने वीडियोज़ में स्लाइड शोज़ में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के मदद से आप डेफिनेटली अपने लिए एक अच्छा लोअर हेड डिजाइन कर लेंगे। इसी का एक एडवांस ट्यूटोरियल
मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।